لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي وقوفهم من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سید الشہداء ماتم داران شہیدان وفا قرآن مجید میں خدا بند عالم شہداء راہ خدا اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے فرما رہا ہے کہ نہ کہنا تم انہیں مردہ میت کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کی نظر میں مگر تمہیں شعور نہیں ہے. ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ گمان بھی نہ کرنا خیال بھی نہ کرنا سوچنا بھی نہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں. عزادارو رونا قتل پر نہیں ہے بلکہ انداز قتل پر ہے. گریا ان کی شہادتوں پہ شاید اتنا نہ ہوتا اگر اس مظلومیت کے ساتھ شہادت نہ ہوتی. حسین وہ شہید راہ خدا ہے
वो शहीद आजम है कि जिसकी शहादत का अंदाज भी इतना अलग और इतना निराला है कि हर नबी हर रसूल अपने जमाने में अल्लाह की तरफ से जब उसको वाकया शहादत हुसैन बताया गया तो हर नबी ने हुसैन की शहादत का जिक्र सुन के हुसैन पर गिरिया किया। हुसैन पैदा हुए पैगंबर के हाथ में है, जिब्राइल ने आके जब वाकया शहादत हुसैन वक्त विलादत बताया तो पैगंबर से रहा न गया, रोने लगे। बीबी ने पूछा है बाबा आपको अल्लाह ने नवासा अता फरमाया, ये तो वक्त मसर्रत है, आपका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है, मगर बाबा इस वक्त आंसू बहाने का सबब क्या है? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया बीबी अभी अभी जिब्राइल खुदा की तरफ से आए और उन्होंने हुसैन के कत्ल और शहादत की खबर दी कि ये भूखा और प्यासा फुरात के किनारे दफन किया जाएगा। बस जैसे ही माएं अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचे कि उस माँ के दिल की कैफियत क्या होगी जो बच्चे की विलादत के वक्त ही उसके कत्ल की खबर सुन रही है, मगर नफ्सियात को जरा टटोले साहिबा ने औलाद, फातिमा ने एक सवाल किया, क्या पूछना चाहिए फातिमा को? फकत एक सवाल ये किया कि बाबा वो वक्त कौन सा होगा? तो पैगंबर ने कहा कि ऐ बेटी वो वक्त ऐसा होगा न मैं होऊंगा, न अली होंगे, न तुम होगी, न हसन होंगे। अब अगला सवाल, क्या कर सकती थी फातिमा अपने लाल के लिए? ये नहीं पूछा कि कहाँ होगा, ये नहीं पूछा कि कौन कौन साथ होगा, ये नहीं पूछा कि गुस्ल मिलेगा, ये नहीं पूछा कि कफन दिया जाएगा, ये नहीं पूछा कि दफन किया जाएगा, फकत एक सवाल किया कि बाबा जब ना आप होंगे ना अली होंगे ना हम ना हसन तो मेरे लाल पे रोएगा कौन? ये फातिमा के दिले बेकरार की तमन्ना है, हे बाबा मेरे लाल को रोएगा कौन? तो पैगंबर ने कहा है बीबी अल्लाह एक कौम पैदा करेगा कि जिसके बूढ़े उसके बूढ़ों को रोएंगे, जिसके जवान उसके जवानों को रोएंगे, जिसके बच्चे उसके बच्चों का मातम करेंगे, जिसकी खवातीन हुसैन की खवातीन की बेपर्दगी और असीरी का मातम करेंगी। आजादारो ये वही तमन्नाए सैयदा है कि कल से आजादारी में मुसलसल मशगूल हो, मगर बीबी ने दुआ दी थी ना, इसलिए आजादार हाजिर है तो सैयदा की खिदमत में हाथ जोड़ के गिरिया हुसैन पर इस ख्याल के साथ करो और कहो ए बीबी हमने 10 दिन आजादारी की, मगर बीबी अरे हक का मातमदारी अदा ना हो पाया, अगर कोई कोताही रह गई हो तो बीबी हमारी खताओं को माफ करे और हमारी इस अदा और हमारी अजा और मोहब्बत को कबूल फरमा ले। हाँ आजादारो अरे हुसैन की शहादत से पहले भी जब नबियों से न बर्दाश्त हो सका तो बाद शहादत क्या मंजर होगा? अरे आज उन्हीं खाक नशीनों की याद करनी है कि जो हुसैन की शहादत के बाद खाक में बैठे हुए थे। आजादारो हुसैन असरे आशूर जब कोई न रह गया तो रुख्सत आखिर के लिए खैमे पर आए, रुख्सत आखिर के लिए खैमे पर आए, बहन और भाई की मुलाकात हुई, एक दूसरे के गले लग के बेहोश होके गिरे। अब हुसैन सज्जाद से रुख्सत होके खैमे से बाहर निकले तो रिवायत कहती है कि रहवा के करीब हुसैन आए और एक बार आलम-ए-तसव्वुर में खो गए, एक बार हुसैन
نظر یمینا و شمالا ایک بار ظاہر حسین نے دیکھا ایک بار بڑی حضرتوں سے بائیں دیکھا ہر طرف دیکھا کہ دل کے ٹکڑوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں ارے ہمت نہیں پڑ رہی ہے قوت نہیں ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہوں کہ ایک بار در خیمہ سے آواز آئی بھیا ٹھہر جائیے ارے اکبر نہیں ہے تو کیا عباس نہیں ہے تو کیا یہ بہن موجود ہے کہ بھیا بہن آپ کو سوار کرے گی خیمے سے زینب نکلی ایک ہاتھ سے رکاب پکڑی ایک ہاتھ سے حسین کا بازو بسم اللہ کہہ کے حسین کو رہوار پہ سوار کیا حسین نے کہا بی بی زینب چلی گئی خیمے میں حسین نے گھوڑے کو مہمیز کر کے آگے بڑھانا چاہا مگر گھوڑا قدم نہیں بڑھا رہا ہے گھوڑا قدم نہیں اٹھا رہا ہے یہ ایک بار کہنے لگے اے میرے اسب باوفا تم نے بڑی میری خدمت کی اے میرے باوفا گھوڑے ارے تم مصیبتوں میں برابر کا میرا شریک ہے ہر لاش لانے میں تو نے مدد کی ہے اور جتنا میں بھوکا پیاسا ارے اتنا ہی تو بھی بھوکا پیاسا ہے اے میرے اسب باوفا بس اب ایک آخری خدمت ہے اس کے بعد حسین اب تجھ سے کوئی خدمت نہ لے گا ارے مجھے میری قتلگاہ تک پہنچا دے مگر رہوار قدم نہیں بڑھا رہا ہے کہ ایک بار گھوڑے نے ایک بار اپنی ٹاپوں کی طرف نظر جھکا کے دیکھا اور پھر ایک بار حسین کا چہرہ تکا حسین سمجھ گئے حسین نے نظر جو جھکا کے نیچے دیکھا تو گھوڑے کے ٹاپوں سے سکینہ نے کہا بابا آپ شہید ہو جائیں گے چچا بھی مارے جا چکے ہیں بھائی بھی کوئی نہیں ہے بڑا بھائی بیمار غش میں پڑا ہے اے بابا آپ کے بعد ہم لوگ برباد ہو جائیں گے بابا دشمنوں کے درگوں میں ارے ہم لوگوں کو تنہا چھوڑ کے نہ جائیے یا امتا ہو ردونا الى حرم جدنا روایتوں میں سکینہ کی فرمائی اے بابا اگر ہو سکے تو ہمیں نانا کے شہر وطن پہنچا دیجئے وطن پہنچا دیجئے پھر ظالموں کے حوالے نہ کیجئے عجب فرمائش کی سکینہ نے حسین نے جواب دیا یا بنیا لو ترک القطا لنا قطا ایک پرندہ ہے جو راتوں کو سوتا نہیں ہے فقط گریا کرتا ہے آواز لہن کی ہوتی ہے جس میں درد ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے حسین نے یہ کہا
कि अगर पता को छोड़ दिया जाए, फुर्सत हो तो वो सो जाए। कहना ये चाह रहे थे कि बीबी अरे इतना वक्त कहाँ के मदीने पहुंचाए, तेरा बाबा इतना थका है कि जरा सी मोहलत मिल जाए तो आराम कर ले। ए सकीना जाओ, माँ के पास जाओ, खुबी के पास जाओ। कहा बाबा अच्छा एक फरमाइश और है। कहा वो क्या है? कहा बाबा मुझे नींद तो आपके सीने पे आती है, ये आदत आप ही ने बनाई है। ए बाबा ये पहली शब आ रही है कि आप न होंगे, हम आपके सीने पे कैसे सोएंगे। बाबा एक बार मुझे अपने सीने पे सुला लीजिए, अपने सीने पे लगा लीजिए। क्या करे हुसैन, अरे छोटी सी बच्ची फरमाइशें कर रही है। ऐ छोटे छोटे बच्चों के बाप, आपके कितनों के बच्चे छोटे छोटे हो गए। अरे जब घर से निकल रहे हो, चाहे जितनी जल्दी हो, अगर नन्ना सा बच्चा गर्दन पकड़ ले तो पीछा छोड़ाना मुश्किल होता है। अरे आपको मालूम होता है, वो बच्चा भी जानता है कि बाबा जाके कुछ देर में आ जाएंगे, मगर वो क्या करे कि जो अब जाके आएगा नहीं। सकीना फरमाइश कर रही है, बाबा सीने में सुना लो जल्दी से। हुसैन करबला की जल्दी जमीन पे लेट गए, सकीना को अपने सीने पे लिटा दिया, धमकियां देने लगे। कहा बेटी अब खुदा हाफिज। फिर कहा बाबा बस एक फरमाइश और है, फिर कुछ ना मांगूंगी। कहा जल्दी कहो सकीना क्या है। कहा बाबा तीन दिन से प्यासी हूँ, अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला के जान दीजिए। कौसर का नहर, नन्ही सी बच्ची प्यासी फरमाइश कर रही है। क्या करे हुसैन, एक बार जमीन करबला पे ठोकर मारी। फखरे इस्माइल थे, हुसैन की ठोकर जो पड़ी तो एक चश्मे आप जारी हुआ। बच्ची ने पानी देखा तो जल्दी से आगे बढ़ी। हुसैन ने बाजू पकड़ के कहा सकीना पानी पी लेना, मगर एक बात सुन लो। मन बच्ची मुंह तकने लगी, फरमाइए बाबा। कहा बेटी या पानी पी के प्यास बुझा लो या नाना की उम्मत को बख्शवा लो। वे बेटी पानी पियोगी तो नाना की उम्मत न बख्शी जाएगी। अरे क्या शोर है, सकीना था पानी से मुंह मोड़ा। कहा बाबा जाइए, अब पानी नहीं मांगूंगी। बस आजादारो, अरे हुसैन सकीना को रुख्सत करके मैदाने दिदार में आए। हाँ वो वक्त भी आया कि दहेज शमशीर आलमे सजदा में सरे हुसैन कटा। फजा में एक आवाज गूंजी, अला कुतिल अल हुसैन में करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन में खैमे का पर्दा हटाइए। ज़ैनब ने जैसे ही पर्दा हटाया, सज्जाद ने कहा अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। कहा बेटा ये सलाम कैसा? कहा वो नोके नैना पे बाबा का सलाम। अजरकुम अल्लाह, हुसैन मारे गए, शाम गरीबा नमूदार हो गई। अजब दस्तूर था सितम ईजादों का कि अगर कोई जनाजा पड़ा हो तो उसके सिरहाने चराग जला दिया जाता है।
एक बार फिजा घबराई हुई खेमे में आई, कहा बीबी कयामत आ गई। कहा क्या हुआ फिजा? कहा कयामत आ गई बीबी। कहा क्या इससे बड़ी कयामत के हुसैन मारे गए? कहा बीबी उससे बड़ी कयामत। कहा क्या हुआ? अरे बीबी बीबी जनाजे ले जाए गए लश्कर आदा के सिपाही जनाजे लेटा रहे हैं शोहदा के। बीबी मैंने देखा के हुर का जनाजा। अरे आए आए उसके खानदान वाले, उन्होंने कहा के लाश की पामाली ये सख्त तौहीन है, मैं जनाजा पामाल न होने दूंगा। खानदाने हुर कबीले हुर लाशाए हुर उठा ले गया, हबीब का जनाजा बनी असद उठा ले गए। अरे जो शहीद जिस खानदान का था उसके कबीले वाले अपने अपने अजीजों का जनाजा ले गए। ए बीबी हुसैन का जनाजा तन्हा पड़ा है। और उमर अपने साथ की आवाज मैंने सुनी के घोड़े की नाल बंदी करो, घोड़ों की नाल बंदियां करो, हुसैन का जनाजा पामाल किया जाएगा। जैनब ने सर पीटा, कहा ये फिजा अरे किसी तरह कोई रास्ता बता, कोई हल बता, कैसे मैं अपने माजाए की लाश पामाल होने से बचा लूं। फिजा ने कहा बीबी यहाँ कौन है मददगार? हाँ करीब में एक सहरा एक जंगल है जिसमें एक शेर रहता है जिसका नाम अबुल हारिस है। ए बीबी आपकी आपकी के इख्तियार में तो जानवर भी हैं, आप अहले बैत की मारिफत तो हैवानों दरिंदों को भी है। बीबी मैं जाती हूँ उस शेर को आवाज देती हूँ। अदादारो फिजा उस्तानो खेजा निकली, वहां पहुंची पुकारती है या अबुल हारिस या अबुल हारिस या अबुल हारिस। अदादारो रिवायत कहती है वो शेर आया, फिजा ने बताया मगर जब करबला में दाखिल हुआ तो देर हो चुकी थी। हुसैन का सीना कफन से बांधा जा चुका है, हुसैन का सीना कफन से बांधा जा चुका है। हुसैन की बड़ी मगर अपने शियों को बहुत याद किया, आपको बहुत याद किया। एक तो सज्जाद से वसीयत की थी कि अब मेरे शियों से कह देना जनाब सकीना रामिया है कि बाबा के गले से इन अशार की आवाज आ रही थी कि शिया तीम इन शरीफ तुम आज़मिन फस्तरूनी और समय तुम मैं शहीद ना गरीब इन फस्तरूनी। ऐ मेरे शियो अरे जब कभी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करते और अगर कभी किसी शहीद किसी के मरने की खबर सुनना तो थोड़ा मेरी उम्र से भी रो लेना। रोजा ने अरे बड़ा तड़प के आपको याद किया, नहीं तो गुम हमूनी। ऐ मेरे शियो ऐ काश के तुम आशूर के दिन मेरी मजलूमियत को देखते कि मैं अरे किस तरह से अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था मगर पानी से इनकार किया। अरे तीर गुरु से उसे सेरा किया। फिर हुसैन कहते हैं वह नसिबतुल लजी मेरे गैर जुर्म कतलूनी। अरे मैं वो सिब्त हूँ, मैं वो नवासा हूँ, वो मैं बेटा हूँ नबी का कि जिसे बगैर जुर्म खता के मार डाला। फिर फरमाते हैं वो बे जुर्दिल खैले बादल कतले आमदन सहकूनी। और
उससे बड़ी मुसीबत छियो ये कि घोड़े की टापों से बगैर जुर्म खता के, अरे मुझे मुझे पामाल नहीं। हुसैन ने कहा साहबूनी, अरे घोड़े की टापों से मुझे पीस दिया। इधर लाश परमाल हुई, उधर मिशाले लिए हुए लश्कर असरार मिशाले लिए हुए खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ा। इज्जत अतहार साहेब तत्हीर बीबिया, अरे एक खैमे में आग लगाई, बीबिया निकल के दूसरे खैमे में गई, दूसरे में आग लगाई, तीसरे में चली गई, यहाँ तक के जब छह खैमे जल चुके और अब ये आखिरी खैमा अहले हरम का बचा कि जिसमें सज्जाद लेटे थे। अजादारो, अरे खैमे जल रहे थे, शोले भड़क रहे थे, बीबिया अरे बच्चों को ले लेके इस खैमे से उस खैमे जाती थी, इसी असना में अरे अशरार ने बीबियों के सर से चादरें छीननी शुरू की, चादरें छीननी शुरू की। अरे आखिरी खैमा जिसमें सब जमा है, जब उसमें आग लगी, उसमें आग लगी, जब शोले भड़कने लगे तो एक बार ज़ैनब ने सज्जाद का शाना हिलाया, कहा ऐ नहाल ऐ सज्जाद, अरे बस से आंखें खोलो, देखो क्या मंजर है। कहा बूबी क्या हुआ? कहा हर खैमा जल चुका, अब ये आखिरी खैमा है और ये भी जल रहा है। ऐ इमामे वक्त, ऐ इमामे वक्त, ऐ जमाने के इमाम, तू वक्त का इमाम है, ऐ सज्जाद बूबी को फतवा दो, बूबी को फतवा दो कि जान बचाए या पर्दा बचा के इसी खैमे में जल जाए। ऐसा हेबाने हया इमामत की पहली मंजिल और पहला फतवा जो पूछा जा रहा है वो ये कि माँ बहने पूछती है कि क्या बेपर्दा निकल जाए। सज्जाद ने कहा है फूफी, अरे जा बचाना वाजिब है, मेरे ना बाहर निकल जाइए। खैमे जल गए, अरे खाक पर खाक नशीनों का बसेरा, फुरात बह रही है, प्यासे गर्म खाक पे बैठे हुए हैं। मेरा तो दिल कहता है कि फुरात से मुंह मोड़ के बैठे होंगे प्यासे, इसलिए अरे क्या शहीदों के प्यासे कत्ल होने के बाद क्या किसी का दिल चाह रहा होगा कि पानी पे नजर भी डाले। आज़ादारो, इसी असना में जनाब ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू किया, बच्चों को गिनना शुरू किया, कुछ बच्चे कम नजर आए। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा कि आए बहन, अरे बड़ा गज़ब हुआ, हुसैन जब रुख्सत आखिर के लिए आए और चले तो कहा ज़ैनब ये सब बच्चे, ये सब ख़वातीन, ये सज्जाद, ये तुम्हारे हवाले और तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। ऐ बहन, अरे मैं हुसैन से शर्मिंदा हो जाऊंगी। दोनों बहनें निकली, जो बच्चे गायब थे उन्हें तलाश करने, अरे दूर से नजर पड़ी कि चंद बच्चे अरे पड़े हुए हैं जमीन पर, समझी शायद सो गए हैं। करीब आई तो देखा कि जब खैमे जले थे तो कुछ बच्चे भी जल के मर गए थे। अब उसके बाद ज़ैनब ने कहा ऐ उम्मे कुलसूम, मुझे सकीना भी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे सकीना नहीं नजर आ रही है। बस अज़रकुम अल्लाह, चंद फिक्रे हैं आज़ादारो, शाम गरीबा का सन्नाटा, वो घटा डोब डरावनी रात के मक्तल में लाशों के टुकड़े पड़े हैं, खून का दरिया, खाक पर बसेरा, सकीना नहीं मिल रही है कि ज़ैनब तलाश सकीना में निकली, तलाश सकीना में निकली, हर तरफ पुकार रही है ऐ सकीना, ऐ सकीना,
कहाँ हो कहाँ हो, कोई आवाज ना आई। यहाँ तक के देखा ज़ैनब ने कि फरात की तरफ से एक एक शख्स घोड़े पे सवार चला आ रहा है। ज़ैनब ने कहा, ऐ बंदे खुदा, जरा ये बता दे कि क्या तूने कहीं किसी बच्ची को तो छोटी सी नहीं देखा है? उसने कहा, मैंने किसी को देखा नहीं, हाँ मगर एक बच्ची को मैंने देखा, एक बच्ची को मैंने लाशों के दरमियान मैंने दौड़ते हुए देखा। बीबी बीबी बताए पहचान क्या है? उस बच्ची के दामन में आग लगी थी, उस बच्ची के दामन में आग लगी थी। एक लाश के सीने से लिपटी लिपटी आंखें बंद किए सिसकियां ले रही है। ज़ैनब ने कहा, ऐ बच्ची किसके सीने पे लेटी हो? कहा, बाबा के सीने पे। कहा, ऐ मेरी बच्ची तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारा बाबा है? इसलिए न तन पे सर है क्या पहचान हो, न लिबास वो बचा कि जिससे पहचानो। बीबी कैसे पहचाना? कहा, भूभी अम्मा हमने ऐसे पहचाना कि जब मैं रो रही थी, आग भड़क रही थी, मैं बाबा को पुकार रही थी कि इसी नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या पनैया, अरे इधर आ जा मेरी बच्ची, इधर आ जा मेरी बच्ची। मैं उसी आवाज के सहारे आ गई, ए भूभी अम्मा मुझे बाबा मिल गए। मैं रब का समझा बुझा के सकीना को गोद में लिया, लेके फिर उसी खाक पे आके बैठ गई कि एक बार देखा कि कोई सवार चला आ रहा है। तो ज़ैनब खड़ी हो गई। ये वो शेर दिल खातून है करबला की कि जिसके अज़्म और हौसले को बड़े बड़े बहादुरों ने सलाम किया। अरे ज़ैनब बयकबख्त दो रोल अदा कर रही है, कभी हुसैन बन जाती है कभी अब्बास, कभी हुसैन कभी अब्बास। सवार चला रहा है, ज़ैनब खड़ी हो गई, देखा इधर ही आ रहा है, ठहरी न रही, चंद कदम आगे बढ़ गई, इशारे से रोका मगर सवार न रुका, और करीब आ गया तो फिर एक बात पुकार के कहा कि जरा सा तो हया करो, जरा सा तो ख्याल करो, अरे अब क्यों इधर आ रहे हो, यहाँ क्या बचा है? अरे ज़हरा का घर लूट गया, अब तो कोई असासा भी ना बचा, अरे तबर्रुकात भी लूट ले गए, अरे असर का गहवारा भी जल गया, अब यहाँ क्या बचा है? हम खाक बसार, हम बर्बादों के पास क्या बचा है? और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मेरी बात का भरोसा करो, अभी नहीं दिन होने दो, सुबह आके जो बचा है वो ले जाना, इस वक्त ना आओ इसलिए कि थोड़ी सी ठंडी हवा पाके, अरे बच्चे सो गए हैं खाक पर, लिल्ला यतीमों का रहम करो, मगर सवार ना रुका। ज़ैनब और आगे बढ़ी, सवार और करीब आया, देखा चेहरे पे नकाब है, जब और करीब आके आगे और बढ़ा वो साकिये कौसर की बेटी फातेह खैबर की बेटी को चला आया, ये कह के लजामे फरस पे हाथ रखा कि तू मुझे पहचानता नहीं सवार, मैं शेर खुदा की बेटी, मैं अब्बास की बहन हूँ, मुझे गुस्सा न दिला। अरे जैसे ही लजाम पे हाथ ज़ैनब ने रखा, अरे झटके से नकाब
आगे बच्चों के पास हिफाजत के लिए बैठ गई, जैसे कोई जंगल में शेरनी अपने बच्चों की हिफाजत करे। रिवायतें कहती है पत्ता भी खड़कता था तो तेवर से बदल के खड़ी हो जाती थी। इसी असरों ने देखा कि कुछ मिसलों के साथ कुछ खवातीन आ रही है। अब जो करीब आए वो लोग तो देखा एक खातून के सर पे एक खान है। ये कौन था? ये ज़ौजाए हज़रत हूर थी जो खान लेकर आई। अरे जमीन पर रखा, कहा ऐ नबी ज़ादी, ऐ ज़हरा की बेटी, अरे हम आपकी मुसीबत में बराबर के शरीक हैं। अरे हम भी तो बेवा हैं ए बीबी, अरे सब खा पी रहे हैं मगर ये बच्चे, आप लोग तो 3 दिन से भूखे प्यासे। ए बीबी, अरे जरा सी ये नजर कबूल फरमा ले, बच्चों को आपो गजा दे दे, बस 25 तमाम है आजादारो। ज़ैनब क्या करती? अरे जिनकी कुदरत में कायनात, जिनके वसीले पे से दुनिया को रिस्क मिले, आज उन्हें खाना दिया जा रहा है। जिसके माँ के महल में दुनिया के दरिया, आज उसे पानी दिया जा रहा है। मगर क्या करे ज़ैनब, जाहिर है कि बच्चों की जिंदगी अरे कबूल फरमा लिया। मगर एक बार ज़ैनब ने सबसे पहले एक कूजा उठाया, उसमें पानी लिया, कहा सकीना, सकीना कहाँ हो? सकीना आई करीब, कहा सकीना पानी पी लो, पानी पी लो। सकीना ने कहा ए गुपी अम्मा प्यासे तो सब लोग हैं, ये आपने सबसे पहले मुझे पानी क्यों दिया? जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी दस्तूर यही होता है अहले रहमो दिल का कि जो घर में सबसे छोटा हो, जो घर में सबसे छोटा हो पहले उसे पानी दिया जाए। बस सुनो आज़ादारो, सकीना ने कूजा आप हाथ में लिया और जल्दी से मख़दर की तरफ दौड़ने लगी। ज़ैनब आगे बढ़ी, बाजू पकड़ के कहा ए बेटी पानी पी ले। अरे कहाँ जा रही है रात के सन्नाटे में? क्या भूमि अम्मा, अरे आप ही ने तो कहा कि जो सबसे छोटा होता है Yeah.